next panelists. This is an interesting, again, I think a very provocative. Theme: Hindi literature in the time of microfiction and poetry. This is again a panel discussion. I would request Shaida to be here to be a part of this discussion. And I would call other two panelists. We have a very well-known TV face, a journalist. We all love Ravish Kumar. He's a well-known journalist, as I said. Currently, he's working for NDTV. He's a prime-time anchor and a regular blog writer. Many of us read his blog and enjoy his thoughts. His show, Ravish Ki Report, generated huge following, and he runs a Hindi blog, Kasba. He also writes fiction on Facebook. He's an exponent. He's a practitioner of this microfiction. It'll be great to hear from him. Ravish is here. His Laghu Prem Kathayin are very popular. And currently he lives in Ghaziabad. Shaida will join him. And the session will be moderated by dynamic Avinash Das. He's a journalist too, a writer, and he runs a much talked about Hindi blog, Mohalla Live. It's a very democratic front, very democratic blog, if you have seen it. He's a very well known in new media. He has worked for Prabhat Khabar, NDTV and Dainik Bhaskar. Presently, he's totally devoted to the development of new media. Avinash too lives in Ghaziabad. So I leave this session to our three panelists. Avinash will moderate this. Shish, क्योंकि ये session अविनाश, रवीश और ललित के बीच में होना था, और मैं बिल्कुल पैराशूट से उतरी हूँ इस सेशन के लिए, तो मेरे ख्याल से जो मेन डिस्कशन है इन दोनों के बीच में ही रहेगी. मैं बीच बीच में कहीं पे नजर आऊंगी. सो जो मॉडरेटर वाला आपका हिस्सा है वो थोड़ा सा साइड में आ गया है अभी, तो मैं सिर्फ शुरू करूंगी इनकी एक चार लपरेख से और दो लाइनों की कविता से. रात को जब मैं ये प्रिंट आउट ले रही थी तो बहुत हंस रहे थे ऑफिस में सारे लोग इसको पढ़ के, बहुत मजेदार है. माइक्रोफिक्शन और 50 वर्ड फिक्शन और ट्वीट फिक्शन, ये सारी चीजें मेरे ख्याल से वहीं पे निकली हैं जहां पे लोगों के पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है. और क्योंकि आज का हमने 100 साल पहले वाले मंटो के बारे में जिक्र किया और हम इमीडिएटली शिफ्ट कर गए अपने डिस्कशन में माइक्रोफिक्शन पे, विच इज वेरी वेरी न्यू. एंड रवीश इज गुड एग्जाम्पल फॉर दैट कि वो अपनी बात आज करेंगे. मैं दो एग्जाम्पल देती हूँ उनके जो फेसबुक स्टेटस में हमें उनका ताजा ताजा पोएट्री का आपको बताती हूँ. किस उदासी से निकल रहा है चांद, छुट्टी के दिन बॉस ने बुलाया होगा, विच इज वेरी ट्रू बहुत सारे लोगों के लिए. दूसरा मेरे ख्याल से कुछ घंटों के बाद उन्होंने लिखा था कि सूरज की शिफ्ट पूरी हो रही है, चांद नौकरी पर निकल रहा है. वो अपने काम के बीच में जिस तरह की चीजें लिखते हैं उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है, लघु प्रेम कथा के नाम से वो उसको छोटा शॉर्ट करते हैं, लव ब्रेक लिखते हैं ब्रैकेट में. तीन लाइन का है उनका. राजपथ का दिल थम गया था, लोहे की कील वाली जूतों की बारात जा चुकी थी, उजड़ी कुर्सियों और बल्लियों के बीच दोनों ने घोर एकांत महसूस किया और एक दूसरे को भर लिया. खाली राजपथ के किनारे खड़े पेड़ों ने खामोशी से सलामी दागी, प्रेम के पलों से ज्यादा गणतांत्रिक क्या होता होगा. लाल बत्ती वाली कार के शीशे से झांकते अफसर ने उन्हें देखा, अपना जी भर लिया. सो आगे की डिस्कशन अविनाश और रवीश, माइक्रोफिक्शन क्या है और खासतौर पे हिंदी लिटरेचर को कैसे एनरिच कर रहा है, क्या नए आयाम खुल रहे हैं और कितना फ्रीडम दे रहा है उन लोगों को जो काम के साथ बैठ के लिख रहे हैं और जिनके पास छपने के बहुत सारे मौके, उपन्यास, कहानी और बड़े आकार के साथ नहीं है. अविनाश, मुझे लगता है कि रवीश को अगर ये पता होता कि उनकी इस किस्म की चलता हुआ चीजों को इतनी गंभीरता से एक दिन लिया जाएगा तो थोड़ा और मेहनत से जो है वो अपना स्टार्ट करते. लेकिन चलिए, माइक्रोफिक्शन को जहां तक मैं समझता हूँ शायदा वो ये है कि एक जमाना था जब हम सोचते थे साइकिल पे चलते हुए
या टहलते हुए या किसी सफर में हम सोचते थे, कहानी बुनते थे, कविताएं बुनते थे कि घर पहुंच के हम इसको नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे, उसको संवारेंगे और फिर उसको शाया करवाएंगे। लेकिन इस डिजिटल दौर ने मतलब इस फासले को जो है वो गायब कर दिया अचानक से। और मुझे लगता है कि इसका इस्तेमाल जिन लोगों ने शुरू किया कि चीजें अचानक दिमाग में आई और उन्होंने उसको नोट डाउन इस बात की परवाह किए हुए बिना किया कि लोग क्या सोचेंगे, या इसको थोड़ा सा और पकाते हैं, इसको यूं मतलब जो रॉ है उसको ऐसे ही ना आने दें, तो मतलब मुझे लगता है कि दुनिया के इतिहास मतलब लिटरेचर के इतिहास में जिसने बहुत रूप की परवाह नहीं की होगी, मतलब बात की ज्यादा परवाह की होगी, उसको ज्यादा जगह मिली होगी। तो ये दौर है कि आप सोचते हैं कि ये देश जो है, देश के हुक्मरान खराब हैं और आप उसको तुरंत जो है वो जाहिर कर देते हैं। आप ये सोचते नहीं है कि हमारे जाहिर करने के बाद मतलब इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा। तो मुझे लगता है कि रवीश उन पहले लोगों में से हैं जिन्होंने इसको इस्तेमाल किया बिना इस बात की परवाह किए बिना, क्यों एक संजीदा जर्नलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं वो। रवीश की रिपोर्ट में कुछ और होते हैं और फेसबुक पर कमेंट करते हुए कुछ और होते हैं। तो ये जो एक मुकम्मल ट्रेडिशनल पत्रकारिता करते हुए न्यू मीडिया का जो ये उबड़ खाबड़पन है, इसको आपने कैसे साधा दोनों को एक साथ? आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदब फाउंडेशन का, शायदा जी आपका, अच्छे आयोजन के लिए। मंटो से हम माइक्रो फिक्शन पे आ गए हैं, अदब से आइटम पे आ गए हैं। तो कोशिश मेरी यही थी कि शुरुआत मैंने आइटम से की थी, लेकिन बाद में ढूंढने लगा कि उसमें अदब की कोई गुंजाइश बनती है कि नहीं बनती है। अविनाश कह रहे थे कि आदमी, एक आदमी में कई आदमी होता है, अगर इनकी बातों को यूं समझें तो। लेकिन हम किसी आदमी में एक ही आदमी बार बार ढूंढना चाहते हैं। कभी किसी को बताया मुझे लाल रंग पसंद है, अगले बार चल के बोलता था तो मैंने नीला पसंद है, तो कहा तुम बड़े कंफ्यूज हो, अभी तो कह रहे थे लाल पसंद है, अब कह रहे हो नीला पसंद है। फिर मैंने समझा कि यही मैं हूं, मेरे अंदर अगर चिरकुट कवि है तो मैं मंटो को भी सराहता हूं और चिरकुट कवि भी लिखता हूं। लेकिन धारणाओं में घुसने से पहले ये नाम का सहारा इसलिए भी लिया कि कोई पढ़ने से पहले उसका मजाक ना उड़ा दे, इसीलिए उस कवि का नाम मैंने चिरकुट कवि चंपक रखा, जो कुछ भी लिख देता है। और उस मकसद यही है कि वो किसी छवि में कैद नहीं है, किसी फॉर्मेट में कैद नहीं है, जो फॉर्मेट का स्पेस है उसमें लिखता है। ये नए संचार का एक हम दौर में रह रहे हैं। अंबेडकर की राइटिंग में पढ़ रहा था कल, हर बार 14 अप्रैल से पहले मैं, मेरा एक रिचुअल है, मैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जरूर पढ़ता हूं। तो उसमें एक लाइन है कि सोसाइटी एग्जिस्ट इन कम्युनिकेशन, समाज संचार में, उसका वजूद जो है संचार में है। ये एक ऐसा दौर है, आप 40 साल पहले की कल्पना कीजिए, पता नहीं चलेगा कि मंटो साहब लिख रहे थे तो उनके पढ़ने वालों ने मंटो के बारे में क्या क्या कहा। क्रिटिक ने जरूर कहा, लेकिन हो सकता है उनके पड़ोसियों ने पढ़ा होगा तो क्या कहा होगा, दिखता तो ऐसा है, करता ऐसा है, लिखता ऐसा है ना। बहुत तरह के ये चीजें हमारे दौर में इंस्टेंट हो जाती हैं, हम त्वरित प्रतिक्रियाओं के दौर में हैं, लेकिन पहले नहीं था। लेकिन अब आप इसका अध्ययन कीजिए तो बहुत सारी मानसिक स्थिति मेरी आज की मेरी रचनाओं में झलकती है। आदत नहीं है हमें उसे गंभीरता से लेने की। मुझे लगता है कि इन सब तुकबंदियों को भी जो इस समय में लिखा जा रहा है, और सब कोई लिख रहा है, हम लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं, कोई घर में तन्हा है वो लिख रही है, औरतें, औरतों का एक्सप्रेशन देखिए कितना ज्यादा है, किसी फॉर्मल मीडिया में इस तरह से औरतों का एक्सप्रेशन कभी नहीं आया जितना ज्यादा फेसबुक या ट्विटर से आया है। उनकी, उनके तस्वीरों के प्रोजेक्शन को देख लीजिए कि वो ससुराल के लोगों के बीच में अपनी तस्वीरें नहीं दिखा रही है, मायके के लोगों के बीच में अपनी तस्वीरें नहीं दिखा रही है, वो पब्लिक से साझा कर रही हैं, उनके बहुत सारे दोस्त हैं वहां से, यहां से वहां, तो उनका एक पूरा एक दूसरा सेल्फ बनते चला जा रहा है। तो जब इस तरह का एक समाज है तो इसके लिए भी कुछ साहित्यिक जरूरतें हो सकती हैं और साहित्य की यहाँ पर जगह बनती है। बिल्कुल रवीश, अगर हम कहें, क्योंकि हम हिंदी लिटरेचर की भी बात कर रहे हैं साथ में, और
ये कंट्रीब्यूट कैसे करेगा आने वाले वक्त में, अगर हम कुछ उस तरह देख पा रहे हैं क्या इन चीजों को? अविनाश रविश, दोनों से मैं जानना चाहूंगी। इनफैक्ट ये क्योंकि इस तरह की चीज है जिसपे डिस्कशन शुरू हुआ है, तकरीबन अभी सभी जगहों पे चल रहा है। सो अभी ठीक है, क्या वो फेसबुक स्टेटस में खत्म हो जाएंगी चीजें आगे आने वाले टाइम में? एक टाइम में अगर हम देखें, 4 साल पहले जिस तरह ब्लॉगिंग का बुखार बहुत ज्यादा चढ़ा था, अभी हम लोग 2-2 साल तक ब्लॉग लिखते भी नहीं है, तो ये आगे जाएगा और शॉर्ट होगा क्या? किस तरह का भविष्य क्या दिख रहा है और लिटरेचर में जगह क्या रहेगी, खासतौर पर अगर हम हिंदी की बात करें? मुझे लगता है कि रवीश तो पहले ही उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया है कि मैं कोई कालजयी रचना नहीं करता हूँ, मैं बहुत फौरी तौर पर चीजों को लेता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि अभिव्यक्ति की जो बेचैनी है जी, बहुत बरसों पुरानी, मतलब सदियों पुरानी ये लड़ाई है, क्योंकि पहली बार जब कोई इस तरीके के फॉर्मेट में अपने को कहने के लिए आता है तो 1000 लोग खड़े हो जाते हैं कि ये तरीका सही नहीं है। मुझे लगता है कि जब मीरा ने पहली बार घर की देहरी लांघी थी तो लोगों ने कहा था कि कैसी बावली है, ये पर्दा तक नहीं करती जी। मीरा ने कहा था कि अपने घर का पर्दा कर लो, मैं अबला बोहरानी। तो ये लड़ाई उस समय भी थी जब एक स्त्री अपने को कहने के लिए, अपने को अभिव्यक्त करने के लिए वो आती है जमाने में, तो उस समय भी उसको झेलना पड़ा। आप देखिए, इस्मत ने जब लिखना शुरू किया और बहुत ही बुलंदी के साथ लिखना शुरू किया तो उनको किस तरीके से झेलना पड़ा। मुझे लगता है कि ये दौर जो है माइक्रोफिक्शन, वो नागरिकों के हाथ में कहने का एक हथियार आ गया है, और इससे कुछ लोगों को लगता है कि हमारी जो कहने की दुकानदारी थी वो खत्म, शिल्प की जो हमारी दुकानदारी थी वो जो है वो नागरिकों के पास चली गई है, वो सबके पास चली गई है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि जो बेहतर कहेगा वही बचेगा, वो बचेगा। बहुत सारी चीजें कही जा रही हैं, इसलिए अब उस झांसे में लोग नहीं रहेंगे कि हम, हमारे पास इतने ही विकल्प हैं और हमको इतने में से ही चुनना है। यानी वो गुबार निकल जाएगा और उसके बाद एक्चुअली जो कंटेंट है वो, अगर रवीश ऐसे ही कहते रहेंगे और उनका कोई असर नहीं होगा तो ये एक समय के बाद अप्रासंगिक हो जाएंगे, कोई नहीं लिखना ही बंद कर। लेकिन अगर इसलिए आप इनको बुला रहे हैं, इनसे बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एक नई तरह का माहौल बनाया जी, बिल्कुल है ना, बहुत सारे लोग तोड़ नहीं पाते अपने आप। बिल्कुल रवीश, एक तो हम चाहेंगे कि आप इस बात को एड ऑन करें इसमें, और उसके बाद हम चाहेंगे आप थोड़ा सा अपना लिखा पढ़ के भी सुनाएं। जी जरूर, मैं लेके भी आया हूँ। वैसे जैसे मैं अपने शहर को देख रहा हूँ, उसको मैं कैसे जाहिर करूँ, जिस समाज को मैं देख रहा हूँ, एक तरीका है जो मेरा फॉर्मल काम का तरीका है कि मैं उसके रिपोर्टिंग के जरिए सामने लाऊं, वो एक तरीका है। लेकिन क्या उसके अलावा अगर मैं दूसरे फॉर्म में जाऊं तो वो एक बहुत औपचारिक साहित्य का फॉर्म होता है कि मैं बैठूं और मालवीय नगर दिल्ली का एक मोहल्ला है वहां से लेके खान मार्केट तक की एक पूरी कहानी रचूं जो 60 पेज के उपन्यास में बदल जाए, इतना वक्त मेरे पास नहीं है। और मुझे ठीक ठीक अपने बारे में पता है कि अगर मैं आज और अभी ये नहीं लिखा तो कल को मुझे ये याद नहीं रहने वाला है। इसीलिए मैं अपने लिखता बल भले हूं उसकी मार्केटिंग बड़े हल्के अंदाज में करता हूं, लेकिन लिखता काफी सोच समझ के हूं, और मुझे लगता है कि इसकी जरूरत है तभी ये लिखी जा रही है। कि आखिर जो मैं लिखना चाह रहा हूं, मैं इंतजार करूं कि उदय प्रकाश जी उसी को रिफ्लेक्ट करें। मैं पाठक हूं, मैं लेखक भी हो सकता हूं, ये एक 2-वे प्रोसेस हो गया है। अब इसको एक लेखक को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो पाठक होता है दरअसल वो भी लेखक होता है। और वो अंतर यह था कि आपके पास कोई ऐसा माध्यम नहीं था कि आप उस वक्त तुरंत लिखें, अब माध्यम है तो आप लिख सकते हैं। अब मुझे बताइए कि अगर मैं इतना ही लिखना चाहूं तो ये साहित्य क्यों नहीं है, और इतना लिखने के लिए मैं क्यों किसी साहित्य का इंतजार करूं? छोटा सा हिस्सा मैं 2 पढ़ के सुनाता हूं। ये लपरेख है और इसमें दिल्ली के मोहल्ले हैं, लोग हैं, और उसके बीच में थोड़ी सी जिंदगी की आपाधापी है, कसक है, इश्क है, जिससे ज्यादा चीजें कम्युनिकेट हो जाती हैं। मूंग धुली दाल की तरह चमकती दिल्ली और घने हरे पेड़ों की मस्ती के नीचे लोधी गार्डन में उसने अपने कदम तेज कर लिए। ये शमी कपूर जब गुजर गए थे तब मैंने उस दिन लिखा था। मूंग धुली दाल की तरह चमकती दिल्ली और घने हरे पेड़ों की मस्ती के नीचे लोधी गार्डन में उसने अपने कदम तेज कर लिए। बालों को समेटकर शर्मिला टैगोर मार का जूड़ा बना लिया, साड़ी मुमताज जैसी, पीछा करती आवाज से बचने के लिए उसने तेजी से सड़क पार की और खान मार्केट की दुकानों को निहारते चलने लगी। वो आवाज अब भी आ रही थी, हम ही जब ना होंगे तो ऐ दिलरुबा किसे देखकर हाय शर्माओगे, बदन पे सितारे कहां जा रही हो, पांव ठिठक से गए
दुकान के शीशे पर प्रिंस की तस्वीर, उफ शमी विल मिस यू, ये उस दिन की अभिव्यक्ति थी। फिर एक है कि वो दोनों परेशान थे, दोनों परेशान थे सीएजी की रिपोर्ट में बारापुला का नाम देखकर। ये बारापुला एक नया फ्लाईओवर बना है दिल्ली में, उसमें काफी घोटाला हो गया है। तो दो प्रेमी हैं, दोनों परेशान थे सीएजी की रिपोर्ट में बारापुला का नाम देखकर। बारापुला पर ही खड़े होकर दोनों ने हुमायूं के मकबरे की पीठ की तरफ अपना सीना कर कस्में खाई थी। हमेशा हमेशा के लिए बारापुला पर आकर उसे निहारने का वादा किया था। अखबार में खबर देख वो घबराई हुई थी, कहने लगी कि इसी पुल के साथ हमारा प्यार भी दागदार हो गया क्या। हमें क्यों ना मालूम चल सका कि जिस बारापुला पर खड़े होकर हम एक दूसरे का हाथ थामे रहे, उसकी बुनियाद किसी घोटाले में है। अल्लाह, ये इश्क का कौन सा इम्तिहान है। तो इसके साथ जब ट्विटर आया, मैं ब्लॉग में कुछ और लिखता था, पूरी एक कविता लिखता था, अब मैं उतना नहीं झेलाऊंगा आप लोगों को, लेकिन जब ट्विटर आया तो वहां फिर मेरा एक्सप्रेशन बदल गया। बुखार था, कपार बथ रहा है, बुखार मथ रहा है ना। तो ये एक साहित्यिक तरीका है कि हम अदब को जिंदा रख सकें किसी भी तरह से, उस फ्लेवर को। और इसमें अभी अभी कुछ नया मैं तब ट्राई कर रहा हूं कि जो माइग्रेशन की के साथ चीजें खो जाती हैं, हम सबकी जुबान बदल गई। मैं ज्यादा 10 साल पहले आज से ज्यादा भोजपुरी बोलता था, तो गांव के जो टोनालिटीज हैं और उसका ए रमाधार तहार लैकवा कमाए गई बका हो। हाँ, गांव में जब कोई मजदूरी करने चला जाता था तो उसके बाप को तंज देते थे फ्यूडल सब, जो जमींदार होते थे, एक मजदूर कम हो जाता था तो उसको लोग कहते थे ए रमाधार तहार लैकवा कमाए गई बका हो, इतना समझते होंगे। रेडियो आज सफारी सूट तब भेजले बतहरा के, मतलब रेडियो और सफारी सूट उस वक्त काफी चीजें होती थी, तो हमने ऑब्जर्व किया था, रेडियो आज सफारी सूट तब भेजले बतहरा ले, आई बाप दादा के कमीनी के देखी, जो खेती का जो पूरा जो प्रोफेशनल था उनका जो मजदूरी का जो वो कौन करेगा, सफारी से खेत ना न जुतव। तो ये जो पूरा उस गांव में ये जो एक्सप्रेशन है, मैं इसको क्या करूं, अपने साथ दफन हो जाने दूं, किसी चीज से उसको मिट जाने दूं, या मैं लिख दूं जो एक अभिव्यक्ति का हिस्सा है, जिससे जिससे आप उसे साहित्य भी समझ लीजिए तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन मैं कभी नहीं कहूंगा कि ये हल्की चीजें हैं, ये कनेक्ट कर रही हैं उन पूरे एक्सपीरियंस को अपने तरह के लोगों से और कुछ नए तरह के लोगों के बीच में। एक छोटा सा और नया है कि दिल्ली से मेरी बहुत विरक्ति रहती है। एक दिन मूड अच्छा था तो मैंने ट्वीट किया, ए दिल्ली तुम हसीन लगती हो, टिकुली सी गोल बिंदी, टिकुली सी गोल, आ सेनूर खानी महीन लगती हो, जो सिंदूर होता है ना, आ सेनूर खानी महीन लगती हो, ए दिल्ली तुम भोजपुरी लगती हो, ए दिल्ली तुम भोजपुरी लगती हो, आलता रंगे हैं पांव में सुहागन लगती हो। जो अंतिम में दो टुकड़ियां सुनाई वो उस बिहार की है, जिस बिहार की जो मुफलिसी है उसको लंबे समय तक पंजाब ने जो है वो थाम, मतलब उस वहां से जो बहुत सारे मजदूर आए पंजाब कमाने के लिए, तो आप अपनी उस भोजपुरी के व्यक्ति को उसी पंजाब में सुना रहे हैं, तो ये आपके लिए एक बड़ी बात है। और लोग बहुत, हम पंजाब को बिना देखे पंजाब को कई किस्सों में जानते थे भैया एक्सप्रेस एक हाँ, और हम ये भी जानते थे कि वहां के जो ये भी लोग आते थे बोलते थे यहाँ के लोग बड़ा शोषण करते हैं, वहां के पंजाबी सरदार लोग खाना तो ठीक खिलाते हैं, बात अच्छी करते हैं, काम ज्यादा करा लेते हैं, लेकिन काम तो यहाँ भी ज्यादा करा लेते हैं, लेकिन लोग दो लात मार के कराते हैं। तो एक फर्क आप उस डिफरेंस देख रहे हैं, लेकिन एक गांव का लड़का वो देख रहा है, आप तक कैसे पहुंचेगी बात, या तो किसी शोध के जरिए पहुंचे या कोई बड़ा साहित्यकार इसको अपना विषय बनाकर लिखे, लेकिन इन दो बड़ी घटनाओं के बीचे जो इंतजार के पल और स्मृतियां जो लोप हो रही हैं, उसका नुकसान एक समाज उठा रहा है, वो क्यों उठाए, तो अच्छा है कि हम इसको लिख देते हैं। अविनाश, क्योंकि रवीश के एक बहुत ह्यूज फॉलोइंग है, तो वो जो भी लिखते हैं वो फटाफट मेरे ख्याल से सेकंड्स में, जब पूरा मिनट होता है उससे पहले उस पर रिएक्शन आना शुरू हो जाता है, ज्यादातर अच्छा होता है। आप कैसे देखते हैं इसको, एक डिटैच्ड व्यू हम जानना चाहेंगे कि रवीश की बजाय रामकिशोर लिख रहा है यही चीज, तो
इसकी इस चीज की उपस्थिति उतनी ही स्ट्रॉन्ग कैसे बनी रहेगी, इसको लेके कैसा आप देखते हैं इस चीज को? दरअसल रवीश के पास जो जमीन है लिखने के लिए वो फेसबुक है, ट्विटर है, और इस दोनों मीडियम पे जो इनके फॉलोअर हैं वो इनको जानते हैं और ये रिएक्ट करते हैं। आपको पता नहीं है शायदा कि ऐसे मुझे लगता है कि 85 रवीश कुमार होंगे वर्चुअल स्पेस पे जिनके हजारों फॉलोअर्स होंगे और उनकी एक अपनी दुनिया होंगी और अपने तरीके से वो चल फिर रहे होंगे, वहां पे रिएक्ट कर रहे होंगे, प्रशंसाएं पा रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। तो दरअसल हमारी दुनिया का एक जाना हुआ चेहरा है, इसलिए हम बहुत ही आसानी से इनको उदाहरण के रूप में ले आते हैं, इनके साथ बात कर लेते हैं। माइक्रोफिक्शन की जो है मतलब जो यात्रा है ना, उसको इनके साथ कनेक्ट करके इनके साथ शेयर कर पाते हैं। मुझे आपको बताते हुए अच्छा भी लगेगा कि इसी चंडीगढ़ के एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट ने प्रेम कहानियों की एक बहुत ही खूबसूरत सी सीरीज जो है वो आस्तीन का अजगर नाम से अपने ब्लॉग पे शुरू किया था। मतलब हिंदी में बहुत सारी प्रेम कहानियां मैंने पढ़ी, पर छोटी छोटी चंद लाइनों की जो कहानियां दी उसने रात की नींद खराब कर दी। उनके फॉलोअर्स देखिए कितने हैं, साइलेंट फॉलोअर हैं, वो रिएक्ट नहीं करते पर बहुत स्ट्रांग फॉलोअर हैं। आप मुंबई के एक सज्जन हैं जो अजदक नाम से बिल्कुल फनी किस्म के लैंग्वेज में बहुत मतलब बड़ी बड़ी चीजें लिखते हैं। आपको लगेगा कि ये बिल्कुल गली और घर और गांव और बुआ और बुआ की कहानी कह रहे हैं, लेकिन वो दरअसल एक मुल्क की कहानी होती है और उनके भी अपने एक साइलेंट फॉलोअर है जो बहुत रिएक्ट नहीं करते। तो मुझे लगता है कि रिएक्शन बहुत इसका पैमाना नहीं है वर्चुअल स्पेस पे कि रवीश बहुत बड़ी चीज लिखते हैं और बाकी के लोग बड़े खामोश बहुत छोटी सी चीज लिखते हैं। अच्छी बात यह है कि लिखने वाले बहुत हैं। अभी एक बहुत दिलचस्प चीज आई थी कि पाठक और लेखक की दूरी को कम कर दिया है इस जो माइक्रोफिक्शन का जो फॉर्म ये निकल के आ रहा है सामने, तो इससे जो स्थापित राइटर्स हैं, लेखक हैं, खासतौर पे हिंदी लिटरेचर की जब हम बात करते हैं, उन लोगों का दखल आप इस न्यू जो ये जिस तरह का तरीका सामने आया उनका कितना है? वो अपनी जगह रिजिड होके स्टिफ होके बैठे हुए हैं या वो भी थोड़ा फ्लेक्सिबल होके ओके हम इसको भी ट्राई करते हैं उस तरह से आगे आ रहे हैं? जैसे उदय प्रकाश का मैंने थोड़े दिन पहले देखा था, बस वही नाम लेने वाला था, उन्होंने उदय प्रकाश हिंदी के एक ऐसे बड़े लेखक हैं जो हम लोगों से बहुत पहले से वर्चुअल स्पेस पे जो है वो मतलब पहल चहलकदमी कर रहे हैं। और जब वो अपनी चीजों को साझा करते थे, शेयर कर, जैसे अदब में तो एक बहुत बड़ी चीज है ना कि आप अपने बारे में बात करते हैं तो लोग खराब मानते हैं। या मंटो का आपने सुनाया पहले सेशन में कि मंटो जब अपने बारे में बात करते हैं तो कितनी बदतमीजी से बात करते हैं कि मैं कितना बुरा हूं, फिर भी लोग मुझे अच्छा माने जा रहे हैं ना? तो उदय प्रकाश ने जब अपनी चीजों को बहुत सामान्य तरीके से साझा करना शुरू किया, क्योंकि वो बहुत विदेश जाते थे, उनकी कहानियों का विदेशी भाषाओं में बहुत अनुवाद हुआ, तो हिंदी के ही बहुत सारे लेखक कहते थे कि ये बड़ा आत्ममुक्त किस्म का आदमी है। लेकिन आज वही सारे लोग, एक मैं कवि का नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने नवभारत टाइम्स में कॉलम लिखा कि मतलब उदय प्रकाश की इस पूरी जो चीज है उसके खिलाफ, पर आज वही जो है वो फेसबुक पे अपने बारे में लिखते हैं कि मैं वहां जा रहा हूं, ऐसे बात कर रहा हूं, ऐसे बात कर रहा हूं, है ना? चीजें इस तरह से बदलती हैं। एक दूसरा उदाहरण मैं दूंगा कि अभी यात्रा बुक्स है हिंदी में, उनकी डायरेक्टर नीता गुप्ता ने फेसबुक पे लिखा स्टेटस कि अभी भी हिंदी में पाठक हैं। हाँ। क्योंकि उनको जो है वो मोतिहारी से, बिहार के बेतिया से जो है वो चेक मिल रहे हैं, किताब उनकी बिकी है। मैंने उसमें लिखा कि ये पाठक और बहुत ज्यादा हो जाएंगे अगर आप 1.5-2-3-4 हजार रुपए में एक टैबलेट दें लोगों को और अपनी 100 किताबें उसमें डाल दें, है ना? तो पढ़ने का तरीका बदल जाएगा जी। पाठक रहेंगे, लेकिन आप ये अगर चाहेंगे कि वो किताबों के पाठक हों, वो कागज के पाठक हों, तो मुझे लगता है कि वो चाहना गलत है जी। अविनाश, शायद ऑडियंस जो है रवीश को और ज्यादा सुनना चाहती है, मुझे ऐसा लगता है, तो इसलिए मैंने कहा आइटम। तो ठीक है, मैं रवीश से एक सवाल करता हूँ जी। रवीश ने जब ब्लॉगिंग शुरू की तो बड़े उत्साह में थे और इन्होंने मतलब सीधे उपन्यास लिखना ही शुरू कर दिया उस पे, लेकिन वो बहुत सारे उपन्यास इन्होंने शुरू किया और सब अधूरा रह गया। तो माइक्रो फिक्शन का जो मामला है
ये जो पूरा दौर है क्या वो अधूरे उपन्यासों का दौर है क्या, ये किस कैसे लेते हैं आप? दुनिया में ऐसे बहुत सारे लेखक हुए हैं जो एक पूरा करने के पीछे कई अधूरे उपन्यासों को छोड़ गए, पर ये सही है कि लपरेक लिखते लिखते मेरी दिलचस्पी उससे चली गई, लेकिन वो एक दूसरे फॉर्म में हाल ही में आ गई जब मैं ट्विटर पे लोगों के नाम देख रहा था, कि फिर मैंने कहा इन नामों को लेकर रचता हूँ, अंडरस्कोर झा प्रमैक्सिको, हाँ तो इस तरह के नाम जो पांडे मिश्रा और तलवार और जुनेजा इस तरह के टाइटल अब सब गायब हो गए हैं, जो आप लोगों ने अपने बच्चों के रखे थे आंटी जी, अब वो सारे अपने JJ29 हाँ चंडी सेक्टर 37 ये उनके नाम है ईमेल पे, अब इस तरह के नाम है तो वो एक्साइट करते हैं, जब एलिमेंट मिलता है तो वो एक्साइट करते हैं, क्योंकि ये फॉर्मेट जो है वो लिमिटेड है, उस लिमिटेड में आपको वही चीज आप एक्सप्रेस कर सकते हैं जो उसका थोड़ा एक स्कोप आपको दे के हाँ आप चार लाइन में ये बात कह सकते हैं, पार्क में टहलना हो, एक कहानी पूरी ना हो भले, लेकिन वो लगे कि हाँ एक कुछ कह दिया है, वो कंप्लीट अपने आप में वहां पर नजर आता है, एक मुखड़ा हो, एक अंतरा हो, इस तरह की चीजें हो। छोड़ने की बात इस पूरा इसका संबंध मूड से है, कोई सरोकार से नहीं लिख रहे हैं, ये जो पूरी पूरी रचनावली है वो अपने बोरियत से लड़ाई है, ठीक है कि आप बोर हो रहे हैं शहर में, आपकी कोई पहचान नहीं है, आप जा रहे हैं लोग आपको झांक लेता है कि अच्छा आपको देखा है जी उस टीवी पे, नहीं आपको जी पे देखा, नहीं 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 मैंने आपको स्टार पे देखा है, है ना, तो उसमें आपको लोग देखने का बहुत कम मौका देते हैं, और आप क्या बात कर रहे हैं, आपके कोई संबंध उस तरह के स्वाभाविक नहीं है, तो वो जितना आपके भीतर वो एक बोरियत को बढ़ाता है कि भाई हम चाय की दुकान पर बैठे हैं, मैं आ रहा था शक्ति भोग का आटा का पैकेट लेते, अरे आप आटा खुद ही ले जाते हो, मैंने कहा आप पहुंचा दो मेरे घर, मैं क्यों लेके जाऊंगा, तो आप उस एक बोरियत आपके आसपास वो बनती चली जाती है, ग्लास सीलिंग आप उसको कह सकते, तो उसको तोड़ने का एक स्ट्रगल है कि मैं नहीं चाहता कि आप मुझे सीरियसली लें, मैं नहीं चाहता कि आप मुझे एक खांचे में जो आपने परसों बनाया था उसी खांचे में मेरे बारे में आज सोचे, मैं इस आज का आदमी हूं, मुझे इस तरह से परमानेंट व्यू आपके बारे में, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे इस तरह से सोचें, तो अब उसी बेचैनी में मैंने एक सुनाई देता हूं, एक लंबी सी कविता ब्लॉग पे लिखी, कई लोग आते हैं जो आप प्रतिक्रियाओं की बात कर रही थी, कई प्रतिक्रियाएं सचमुच इतनी वो उनको आप अलग करना पड़ता है, आप बड़े महान है जी, आप बड़े ये हैं जी, वो हैं जी, तो इस तरह की आती हैं जिनको देख के ही लगता है कि उफ ये ना आता तो अच्छा था, लेकिन फिर भी कुछ कुछ प्रतिक्रियाएं जो हैं वो जेन्युइन भी होती हैं, और उसमें एक अच्छी बात होती है कि जो आपने लिखा है उसके समानांतर वो किसी और कवि की रचना को डाल आते हैं, तो एक सर्कुलेशन बढ़ता है टुकड़े टुकड़े में मुखड़े मुखड़े में, तो मैंने लिखा है कि भीड़ आई है दरवाजे के बाहर बता रही है गंभीर मुझे, सरोकार से सने सनकी की तलाश में दहलीज पर हिंदी जगत के, मेरे कहे पर बेताब है चलने को पूछती हुई पता अपने घर का, कुर्ता फाड़ रही है मिट्टी के महान का, कुर्ता फाड़ रही है मिट्टी के महान का, हा 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 ये हंसी मेरी है बेखौब, लौट जाओ लौट जाओ, नहीं अभिलाषी प्रशंसा पात्र का, जगत जो हिंदी नहीं है, और जगत जो हिंदी भी है, जगत जो जगत ही है, एक साइकी होता है ना पंजाबी जगत हिंदी जगत, और उसमें लोग लिमिटेड करने की कोशिश करते हैं, जगत जो हिंदी नहीं है और जगत जो हिंदी भी है, जगत जो जगत ही है, मैं नहीं साहूकार किसी दुकान का, कुर्ता क्यों फाड़ते हो चीख चीख के मिट्टी के महान का, माधो माधो ओ माधो ढेला मार भगा सब साधो, एकांत की मुक्ति की मेरी साधना में ये किसने कर लिया जुटान है, एकांत की मुक्ति की मेरी साधना में ये किसने कर लिया जुटान है, कभी पुतला हुआ महान है। एक नौकरी जीवी पत्रकार को जो सैलरी में पलता हो उसके भीतर आप क्रांतिकारी एलिमेंट आप देख रहे हैं, मुझे बहुत चीजें हैरान करती हैं, आपको नहीं मालूम कि कितनी एक मेरे एक अच्छे काम के पीछे कितने समझौते पड़े हुए हैं, है ना, वो काम जो बहुत ईमानदारी से और होना चाहिए था वह पहुंचते पहुंचते कितना और कॉम्प्रोमाइज करता है, उसमें भी आप महानता के टैग दे देते, तो आपकी ये उदारता भी मुझे नहीं चाहिए। बिल्कुल रविश, जो तीन चीजें निकल के आई सामने कि ये माइक्रोफिक्शन या जो तुरंत का साहित्य गढ़ा जा रहा है, बेशक हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसको बहुत लंबे समय तक लेके आगे ना जाएं, लेकिन फिलहाल
बोरियत को एक बहुत स्ट्रांग चैलेंज है कि ठीक है, आपने जिस सीलिंग की बात करी कि उसके बाहर अभी आपके दिमाग में आया और आपने उस चीज को रखा, उस पर इमिजिएटली आपको पता लग गया कि आप क्या कहना चाह रहे थे। दूसरी चीज जो पाठक और लेखक के बीच की दूरी, ऑफकोर्स इससे कम हो रही है। और तीसरी चीज जो है कि ये एक रास्ता हर हर इंसान को दे रहा है, जिसके पास एक्सेस है फेसबुक, ट्विटर और इन सब कंप्यूटर नेट का, कि आप अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं। आप इंतजार में नहीं बैठे हैं किसी प्रकाशक के। और सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ है, जो हम सब के साथ होता है, कि आप आंख बंद करके लेटे हैं और आपको एक बहुत अच्छा थॉट आया, अच्छा कल लिखेंगे इसके ऊपर, और वो कल कभी आता नहीं है। तो शायद वो जो उस कल के पीछे बहुत कुछ रह जाता था दबा हुआ, उसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग रास्ता हमारे सामने है। इसमें एक जोड़ दूंगा, लेखन जो है ना एक सतत अभ्यास की प्रक्रिया है। हमें मालूम नहीं कि ये लिखते लिखते कौन इसमें से अच्छा निकल जाएगा, और कौन बहुत बढ़िया रचनाकार हो जाएगा, कौन खुद को समझ लेगा, कौन अपनी भावनाओं को समझ लेगा और बेहतर से लिखने लगेगा। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से अब टाइम है कि वी कैन टेक क्वेश्चंस फ्रॉम द हाउस, सो इट्स ओपन नाउ। रवीश और अविनाश से खूब सवाल पूछिए प्लीज। शायदा से भी पूछिए, क्योंकि ये भी लिखती हैं बहुत, मतलब थोड़ा लिखती है और बहुत शानदार लिखती हैं। मैं अभी कल तक बोलती रहूंगी, मुझसे बाद में पूछिएगा, इन दोनों से पूछिए। यू नीड टू रेज योर हैंड, विल रीच द माइक टू यू। हां, ये रोशनी का नुकसान है कि देखिए दूसरी तरफ अंधेरा कर दिया है इस रोशनी ने। पूरे हॉल में क्यों नहीं रोशनी कर दी? हम देख लेंगे। नहीं नहीं, कैमरे की वजह से, कैमरे का वजह, ठीक है। अभी इतना अदब नहीं हुआ कि सवाल पैदा कर सके। माइक्रो, हाँ जवाब आएगा। देयर इज वन क्वेश्चन हियर इन द फ्रंट फर्स्ट एंड देन। मैं पंजाबी में जो बोल रहा हूँ तो इतराज तो नहीं है, पर हो सकता है समझ ना पाए थोड़ा सा, फिर मैं हिंदी बोलूंगा। बात यह है कि मैंने कंप्यूटर पर जितना भी काम करना सीखा है, खुद ही सीखा है, हिट एंड ट्रायल से ये करके देखा, ये सब ये नुकसान हुआ। अब मुझे पहली बार पता चला है माइक्रो फिक्शन का आज जहां आकर, तकरीबन एक साल से फेसबुक पर टकरे मैं भी मारता हूँ। अभी अभी मैं इनका नाम याद कर रहा था, स्पेलिंग याद कर रहा था, रवीश कुमार में जाकर इनको ऐड करने की कोशिश करूंगा, इनका और पढ़ने की कोशिश करूंगा। मेरा सवाल ये है कि अभी जो माइक्रो फिक्शन की बात करते हैं हम, एक दिन हमारा कंप्यूटर क्रैश हो जाता है, जहां विंडो चेंज करनी पड़ जाती है, जहां उसमें वायरस आ जाता है, तो सारा कुछ साफ हो जाता है। मुझे अभी अभी इन्होंने बहुत अच्छा सुनाया, बहुत अच्छा लिखते हैं ये, मुझे इनके अच्छे लिखने की उम्र का फिक्र हो गया है। इसका भी इलाज हो सकेगा कि अगर हम इसको सदीवी तौर पर संभाल पाएंगे कि नहीं? नहीं, वो खतरा तो नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बचा हुआ है। जैसे मंटो साहब की कोई चिट्ठी रुबीना जी के पास बची होगी, कुछ चिट्ठी आपके पास बची होगी, तो वैसे बचे रहेंगे। अगर हम उस लायक होंगे, हमारी रचना में उतनी दम होगी, तो कहीं ना कहीं बची रहेगी। और जिस तरह अविनाश कह रहे हैं कि वो पढ़ने का मतलब सिर्फ वो किताब में ही छपा हो, अखबार में ही छप कर आए, या लिखने का मतलब हम वही पन्ना में ही लिखे, थोड़ा निकलना चाहिए, ये देखें कि हम अच्छा लिखें। फेसबुक वगैरह में, खासकर आप हिंदी फेसबुक की राइटिंग देखें, तो इसमें माइक्रो फिक्शन ही नहीं है, बहुत सारी अच्छी चीजें भी लिखी जा रही है, जिसको आप सरोकार के रूप में आप डिफाइन करें। बहुत सारे सामाजिक आंदोलन की बातें हो रही है। अभी सब लोगों ने मिलकर जो निर्मल बाबा को एक्सपोज किया है, वो फेसबुक से शुरू हुआ, लोगों ने लिखना शुरू किया, तो वो भी एक चीज है कि वो भी एक क्रिएटिव है, तो उसका लोग अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं भी थोड़ी बात करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि छापे खाने का आविष्कार जो है हमारे यहाँ, मतलब कितने साल पहले हुआ होगा? 200 साल, ज्यादा से ज्यादा 200 साल पहले जो लिखते थे कागज पे, पत्तों पे, क्या वो आज जिंदा नहीं है? विद्यापति की बहुत सारी चीजें, आपको सूर, मीरा, कबीर, तुलसी, महाभारत, रामायण, वो सब आज जिंदा है। उन रचनाओं में वो दम था कि वो लोक कंठों से होती हुई आज भी जो है वो आपके पास है। आपके यहाँ एक बहुत बहुत ही शानदार गीतकार हुए शिव कुमार बटालवी, उनकी रचनाएं इसलिए नहीं बची हुई है क्योंकि वो कहीं छपी है, इसलिए बची हुई क्योंकि वो आपके पूरे वजूद में है, वो जहन में है, वो जुबान पे है।
है ना। तो ये सब सारी तकनीकी चीजें हैं, चाहे कागज हो चाहे कंप्यूटर हो, हम कहते क्या है अंततः ये मसला है जी। ओके बिफोर वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ कार स्टैंडिंग इन द वे। रविश, आई एम अ रेगुलर वॉचर ऑफ, आई सी रविश की रिपोर्ट। इज रविश की रिपोर्ट अ पार्ट ऑफ प्रमोटिंग व्हाट यू कॉल एज माइक्रो फिक्शन? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जो लिखता हूँ अपने ही खिलाफ लिखता हूँ। खिलाफ नहीं लिखते आप? मैं और किसी के खिलाफ तो जा नहीं सकता, जहाँ काम करता हूँ उसके खिलाफ लिखूंगा तो बेरोजगार हो जाऊंगा। तो बहुत अच्छा है कि अपने खिलाफ लिखिए, पर नहीं नहीं उसको उसके उसको प्रमोट करने के लिए बिल्कुल नहीं। नहीं वो रविश की रिपोर्ट है, रविश की रिपोर्ट है। एक चीज देखना पड़ेगा कि हमारा पब्लिक स्फीयर का जो कॉन्सेप्ट है वो बदल गया है। एक समय में अगर आप 1950 में या 1947 में आजादी के आंदोलन के बारे में अगर आप देखें कि लोग क्या बोल, कहां जाएंगे आप? कुछ चिट्ठी पत्रियां मिलेंगी जो गजेटियर में मिलेंगे, या फिर हिंदुस्तान टाइम्स के जो छपा होगा उस समय जो लोगों के क्या रिएक्शन से दो चार संपादक के नाम की चिट्ठी होगी। लेकिन आप देखिए क्या कमाल का, जो हम बोल रहे हैं बोलने से पहले उसको लिख दे रहे हैं, हम ट्रैफिक जाम में भी लिख दे रहे हैं। हर बात जो हमारी अभिव्यक्ति है वो लिखी हुई अभिव्यक्ति है। अगर आप उसको कहें कि सारे सिनिकल लोग हैं तो कितनी अच्छी किताब और कितना बढ़िया रिसर्च उससे निकल कर आएगा कि एक समय में अगर चंडीगढ़ के सारे सिनिकल्स का आप स्टडी कीजिए तो पता चलेगा वो किस चीजों को लेकर फ्रस्ट्रेटेड थे उसमें, और उस वक्त की चंडीगढ़ की रियलिटी में कितना डिफरेंस है, उसके रीजंस क्या है। शानदार आपके पास एक अध्ययन सामग्री उपलब्ध हो रही है। नहीं ये दबाव तो नहीं रहता है, ये भी सही नहीं है कि जो भी लिखता हूँ सब में लाइक आ जाते हैं, बहुत सारे बिना लाइक के ही चली जाती हैं, तो पता चलता है ये चला नहीं, ये ठीक नहीं है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा कि जो लिखा है वो लोग पढ़ लें उसको, और उन्होंने लाइक दबाने का मतलब ये होता है कि वो बता रहे हैं कि हाँ हमने पढ़ा है इसको, यही है। और जो पढ़ लिया तो फिर अब उस पर छोड़ देना चाहिए, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है नहीं है, पर वो सिर्फ उसी के लिए नहीं लिखा जाता। पहले तो लिखता हूं कि मैं खुद चाहता हूं लिखना, इसलिए मैं लिखता हूं। इससे पहले कि अगला सवाल है, एक चीज मैं जानना चाहती हूं, आप लाइक और कमेंट का कितना इंतजार करते हैं लिखने के बाद? अगर मैं कहूं कि नहीं इंतजार करता हूं तो झूठ बोलूंगा, लेकिन हाँ इसको टाइम फ्रेम में नहीं बता सकते, लेकिन जाके जरूर देखता हूं कि लोगों ने क्या कॉमेंट किए हैं, जाके जरूर देखता हूं, क्योंकि वो उसका हिस्सा है, आप देखते हैं वो आपके सामने दिखता है, तो आदत में ना भी हो तब भी वो ध्यान तो आएगा ही कि कितने लोगों ने उसको लिखा है। शायद मुझे लगता है कि किसी मंच पे या आपस की बातचीत में भी अगर आप कुछ कहते हैं तो लोगों के चेहरे की ओर जरूर देखते हैं कि वो क्या सोचता है। तो अगर कोई फेसबुक पे या किसी इस तरह के सोशल नेटवर्किंग साइट पे अपनी बात लिख करके वो देखता है कि लोग क्या कह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बहुत अजीब किस्म की बात है, बहुत स्वाभाविक सा मामला है, हर आदमी करता है। ओके वन मोर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन प्रोबब्ली। हाय, माय क्वेश्चन इज डायरेक्टेड टू अविनाश। आप कह रहे थे इसके बारे में कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से चेंज होना चाहिए, आपको क्या लगता है कि क्या और जरूरत है, टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंज आना चाहिए ताकि ये जो सब लिखा जा रहा है ये लूज ना हो? आपका शुभ नाम? मेरा नाम आनी। आनी एनी जी, ऐसा है कि 2001 में मैंने अपना पहला मोबाइल खरीदा था, और जब कोई कॉल आता था तो मेरे हाथ कांपते थे क्योंकि इनकमिंग में भी कटता था पैसा, और आज जो है वो रिक्शे वाले ठेले वाले सबके पास जो है ये मोबाइल है। तो टेक्नोलॉजी इस तरीके से वो क्लास से आती है और मास में जाती है। अभी जो है जो मतलब जिन चीजों की ओर आपका इशारा है कि बहुत सारे लोग बहुत कंफर्टेबल नहीं है, है ना, वो बहुत थोड़े से लोगों की चीज है, इसमें कहना जो है वो थोड़े से लोगों तक पहुंचना है। आप देखिएगा आने वाले 5-6 सालों में जो है वो चीजें बहुत बुरी तरीके से बदलेंगी, और किताबों छपे हुए किताबों का कितना बड़ा इतिहास है आप देख लीजिए, है ना, मुश्किल से 200 सालों का इतिहास है, लेकिन मतलब अच्छी बातें कहने का इतिहास जो है वो हजारों सालों पुराना है। इस तरीके से आने वाले समय में देखिएगा किताबें जो है टैबलेट पे मिलने लगेंगी,
अभी आकाश एक टेबलेट आने वाला है, उस पर आप 10,000 किताबें रख सकते हैं। आपका घर भी जो है वो सजा सजा लगेगा, किताबों से भरा हुआ नहीं लगेगा, और आपके पास बहुत सहज तरीके से आप बस में जा रहे हो, आप ट्रेन में जा रहे हो, आप पन्ने पलटते जाएंगे टैबलेट पे स्लेट की तरह और आप पढ़ते चले जाएंगे। तो थोड़ा आपको लगता है कि इंतजार करना चाहिए, और इतनी आसानी होगी चीजों को पहुंचने में, तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी भी जाएंगी। और ऐसा नहीं है कि किताब हर किसी के पास है, बहुत लिमिटेड लोगों के बीच में किताबें पहुंचती हैं, जो खासकर हमारे भारतीय भाषाओं की स्थिति है, कुछ चुनिंदा भाषाओं को छोड़ दें तो कहां लोगों के पास किताब उपलब्ध, उससे कहीं ज्यादा ये मंच उपलब्ध है। आज अमिताभ बच्चन अपने 25 लाख फॉलोअर के बीच में वो रोज हरिवंश राय बच्चन की कविताओं की 3-4 पंक्तियां ट्वीट करते हैं और लोग पढ़ते हैं। हो सकता था कि उन 25 लाख लोगों में से कोई 10,000 लोग हरिवंश राय बच्चन को जानते हों या उनको पढ़े हों, लेकिन अमिताभ बच्चन अपनी लोकप्रियता के सहारे उन कविताओं को फिर से जिंदा तो कर रहे हैं ना, उसका एक टेस्ट तो बन ही रहा है। ये बड़ा मुश्किल है कि मैं ही अगर फेसबुक में अपनी पुरानी रचनाओं तक पहुंचना चाहूं तो बहुत, मतलब घंटों तक आप उसको ओल्ड पेज करते चले जाइए, सर्च करके तो आप उसे ला नहीं सकते। पर ठीक है, वो है कहीं ना कहीं इंटरनेट स्पेस में है, और मैं इसको मानता हूं। जब मैं इंटरनेट स्पेस पर आया तो मैं यही खुलेआम कह के लिखता था कि मेरी किसी भी रचना को काल यही नहीं समझा जाए, आप अभी पढ़ लें, अभी समझ लें और फिर भूल भी जाए, हो सके तो मुझे और ज्यादा खुशी होगी। नहीं है, लेकिन है वहां पर है, उसमें उसकी कोई ना कोई टेक्नोलॉजी कल भी निकल जाएगी कि कैसे आप उसको रिवर्स करके पूरा देख सकते हैं। टाइमलाइन में शायद वो गुंजाइश है कि आप उस डिटेल से आप देख सकते हैं, है ना सर? रवीश, मुझे ये भी लगता है, हाँ वो तो है ही, और मुझे ये भी लगता है कि सुरक्षा जो है, प्रिजर्व करना जो है, वो रचनाकार की चिंता कभी रही नहीं है। हमारे शहर दरभंगा में एक सज्जन थे, वो कहते थे कि लिखते चले जाओ, एक दिन तुम्हारे लेखन में अगर ताकत होगी तो लोग आलमारी तोड़कर तुम्हारी चीजें लेते चले जाएंगे, है ना? अगर रवीश बहुत खराब लिखते हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं तो खराब चीजें हो सकता है कि वो टाइमलाइन के बिल्कुल ओल्ड पेजेस में ऐसी जगह चला जाए जहां कभी से वापिस नहीं आ पाए, लेकिन अच्छी चीजें उसी ओल्ड पेज से निकाल करके कोई पाठक जो है, या कोई मतलब अदब का जो है वो अदब को मोहब्बत करने वाला आदमी, निकाल करके अपनी डायरी में लिख लेगा, कहीं और लिख लेगा, चीजें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बची ही रहेंगी, रहती हैं। ओके, आई थिंक वी विल कंक्लूड दिस सेशन। या जस्ट टू ऑब्जर्वेशंस दैट आई हैव। पहली बात, कल जब सुरजीत पात्र जी यहाँ बोल रहे थे और उन्होंने रचनात्मकता और क्रिएटिविटी के बारे में बात की, उससे कल बहस छिड़ गई कि लिखने में अक्ल का कितना हाथ होता है। And one comment by Ravish that caught my attention was ki likhta bahut soch samajh kar hu. So I think that aspect of writing which people tended to disbelieve yesterday is reinforced today. Khas taur pe aap jab micro fiction likh rahe hain aur 140 characters ke beech likh rahe hain, so you have to think a lot, and I think that's one thing. Jab tak intellect nahi aap nahi likh payenge, kam se kam something which you know stays, which has a power to stay. Second thing which I personally like that Ravish remembered Ambedkar. Today Ambedkar's birth anniversary, it falls on 14th. And I think Ambedkar also is a symbol of democracy, of openness. And when we talk about microfiction, when we talk about writing, when we talk about self-expression, it's a democratic act. And I think it just fits in with a man like Ambedkar, with a man that... No matter what kind of technology you have, if you do not have the freedom, the democratic right to express yourself, I think that's another important aspect of how to best use this microblogging sites like Twitter and Facebook and even Blogger. So thank you very much, Ravish. Thank you very much, Avinash, Shaida. Thank you. Main guzarish karunga Dr. Gulati se. Dr. Yash Gulati is here to please come and honor our two guests. So if you could please come, and on the behalf of other foundation, please